गुजर न जाए ये दिन कहीं किसी तमन्ना में बाहर बन के आओ कभी तुम्हारी दुनिया में गुजर न जाए ये दिन कहीं किसी तमन्ना में तुम मेरे हो तुम मेरे हो आज तुम इतना वादा करके गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल एंड इट्स माई थर्ड डे इन गोवा एंड फोर्थ डे इन माई भारत यात्रा। तो जिस हॉस्टल में मैं अभी रुका हूँ वहाँ पे मेनली कैफ़े है, टेरेस कैफ़े है। तो आज ब्रेकफास्ट का सीन सॉर्ट हो गया, मेरे को कहीं ट्रैवल करके जाने की ज़रूरत नहीं है। तो एंड फॉर दैट आई एम हियर राइट नाउ। मैं 10:30 के करीब उठा क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स जा रहे थे, ब्रश किया सीधे ऊपर आ गया एंड नाउ आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट। ये हो जाएगा तो थोड़ा शांति मिलती है क्योंकि लंच का कोई टाइम नहीं होता है, ट्रैवलिंग में निकल जाता है। आई एम गोना विजिट सम प्लेसेस टुडे, तो इसलिए ब्रेकफास्ट करके थोड़ा रिलैक्स फील करूँगा, फिर नहा धो करके निकल जाएंगे हम लोग घूमने। तो चलो फटाफट खाते हैं और फिर रेडी होकर के निकलते हैं। आज जितना आलसी मैं हूँ उतना ही वेदर मेरे को सपोर्ट कर रहा है बाई रेनिंग, और मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ अभी तक यहाँ पे बैठा हूँ एंड इट्स ऑलरेडी 4:00 4:30 आई थिंक, और एकदम कटे जा रहा है। नाउ वी विल हैव टू फिगर आउट कि करना क्या है, कि नाइट लाइफ आज सोचा है थोड़ा नाइट लाइफ इंजॉय करेंगे। अभी तक मैं दोनों दिन में मैं नाइट लाइफ नहीं किया और मेरे को एक बहुत अर्जेंट वर्क कॉल आ गया, सो दिस माइट बी माई लास्ट डे। मेरे को कल कैसे भी निकलना है बिकॉज आई हैव अ मीटिंग, तो हमको ये कट शॉर्ट करके निकलना पड़ेगा, अर्जेंट मीटिंग है 17 को। बारिश के वजह से हम आज क्या करेंगे देखते हैं, बारिश कितने टाइम चलने वाला है, बट नाइट लाइफ तो कुछ करने ही वाले हैं। सो मोस्टली विल गो एंड सी बागा जो भी है, मैं आपको भी दिखाऊंगा जो भी करता हूँ। ये है परिमल, इसकी दिन शुरू होता है सिर्फ दारू से और ख़त्म होता है दारू पे। सिर्फ ये बंदा क्या क्या करता है, सिर्फ दारू पीता है और सोता है, नथिंग एल्स। अगर आप लोग को सब करके छोड़ दिया है, ट्राई भी नहीं किया होगा। मतलब बंदा सुबह सोया था और उठा और सीधे दारू पी के रात में सोया 3 बजे और सुबह उठ करके सीधे बॉटल ही मुंह में लगाया है, वॉशरूम भी नहीं किया, मुंह भी नहीं धोया, सीधे वॉशरूम, ब्रश भी नहीं किया, सीधे दारू। हाँ व्हाट, आई एम नॉट लाइंग। ये देखो टी टॉटलर, यू कैन मीट दिस गाय एट अंजुना बीच मुसाफिर होटल हॉस्टल। हाँ बस एक बॉटल लेके आ जाना। कॉफी पीने के बाद नियर बाई एक ओजरॉन बीच है विच इज़ ऑल्सो नोन एज न्यूड बीच, सनसेट होने वाला है। हमने कल अंजुना बीच पे सनसेट मिस किया था जिसके बदले में आपको रशियन डांस देख के निकालना पड़ा, बट आज हम सनसेट नहीं मिस करेंगे, सनसेट देखेंगे एंड आफ्टर दैट वील सी नाइट में क्या प्लान है। बट फॉर नाउ इंस्टेंटली हम लोग कॉफ़ी पी के सीधे जाएंगे सनसेट देखने ओजरॉन बीच पे, विच इज़ ऑल्सो अनएक्सप्लोर्ड, टोटली अनएक्सप्लोर्ड। तो इट इज़ माई फर्स्ट टाइम, तो मैं खुद भी जाता हूँ, आप लोगों को भी लेकर चलता हूँ। चल तो मैं आ चुका हूँ ओजरॉन बीच, मतलब बीच नीचे है मैं ऊपर हूँ, और ये जो एरिया है फुल पार्टी प्लेस है। अभी रात के टाइम तो यहाँ वाइब होने वाला है। दिस इज़ दिस प्लेस लेवल्स, और जस्ट ऑपोजिट यू विल गो वहाँ पे हिल टॉप मिलेगा, मतलब काफ़ी सॉर्टेड जगह है। नाउ वी हैव टू गो डाउन, जस्ट वन वुड है, ये लेवल्स है, इसके बीच से ये रास्ता जा रहा है। अभी देखो हमको यहाँ से जाना है वाइस के एरिया, चलो नीचे चलते फिर यार। काफ़ी सही है, सनसेट देखने के लिए हमको नीचे उतरना पड़ता है, मतलब बीच नीचे है एंड वी आर एट अ हायर पॉइंट। तो सही यार, फर्स्ट टाइम मैं जा रहा हूँ ओजरॉन बीच का, नाम भी मैंने रिसेंटली सुना और सोचा ही था इस बार जाऊँगा क्योंकि मैंने बाकी सब चीज़ तो देख लिया है। तो ये मेरा ट्रिप इसलिए था कि स्टार्ट करते पहले 30,000 किलोमीटर्स एंड उसके बाद जो जो चीज़ें हमने नहीं की है, अंजुना में स्टे नहीं किया था मैंने इस बार, वो किया, रंबुल में स्टे नहीं किया था मैंने वो किया, और जो जो चीज़ें नहीं घूमा था
वो वहाँ पे जाकर के मैं घूमा हूँ, उनमें से एक है ओजरॉन बीच। तो बस सनसेट से पहले आज पहुँच गया हूँ, सनसेट हो ही रहा है। ये नीचे उतरू जल्दी तो मैं आपको भी दिखाता हूँ फटाफट। ऐसा कुछ है ये सीन, वाओ, जस्ट नियरिंग टू द बीच अभी। सो या यो पहुँच चुके हैं ओजरॉन बीच, सनसेट भी हमको बहुत अच्छे टाइम पे देखने मिल जा रहा है, सनसेट मिस नहीं हुआ। यहाँ पे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, वो जूम करता हूँ, लोग यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं। आई कैन सी फैमिलीज ओवर हियर, कपल्स दिख रहे हैं, मतलब ये ऐसा बीच है, आधे मतलब फ्रेंड्स ज़्यादा नहीं है, बेसिकली यहाँ पे कपल्स हैं, फैमिलीज हैं, वो लोग ज़्यादा हैं। और अपना सनसेट ये देख, सही यार, काफ़ी सही है, और क्राउडेड नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्राउडेड नहीं है, सही ऑफ बीट प्लेस है, आप खुद ही देख लो। और सन कितना प्यारा लग रहा है, चलो आगे चलते हैं थोड़ा। सनसेट देखो कितना प्यारा लग रहा है, दैट लालिमा जो निकल रही है, रेड रेड होते जा रहा है, नाउ इट्स सेटिंग स्लोली स्लोली। यहाँ पे क्रिकेट चल रहा है, फिर यहाँ पे अपना अलग क्रिकेट चल रहा है, यहाँ पे फॉरनर्स भी दे आर ऑल्सो गेटिंग इंटरेस्टेड नाउ, यहाँ तो अपना अलग ही चल रहा है। एंड ये है ओजरॉन बीच, वो आपको रोमियो लेन दिख रहा है, उसके ऊपर भी ना वहाँ से लोग नीचे क्लाइम डाउन करके आते हैं, मतलब आप बाइक से ऊपर तक जा सकते हो, बट ये बीच नीचे है और जगह ऊपर है, सो ब्यूटीफुल। वो है लवर्स पॉइंट, कपल्स पॉइंट बेसिकली, कैन सी, अगर आप मेरे नज़र से देखोगे आपको कपल्स दिखेंगे वहाँ पे, हाथ में हाथ डाल के और अपने अच्छे टाइम स्पेंड करते हुए। एंड दिस इज़ एन ओवरऑल व्यू ऑफ ओजरॉन बीच, बहुत सही है यार, बहुत अच्छा है। देखो चीज़ें ऊपर हो रही है, मतलब हैपनिंग पूरा ऊपर है और बीच थोड़ा नीचे की तरफ है, काफ़ी रॉक्स हैं यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा रॉक्स हैं, आई एम ऑल्सो स्टैंडिंग ऑन अ रॉक राइट नाउ, काफ़ी रॉक्स है, काफ़ी रॉक्स है, बहुत प्यारी जगह है, बहुत ज़्यादा प्यारी जगह है, सही यार सही है। और हमारा सनसेट हो चुका है, मतलब हम लोग को कल मौका नहीं मिला था बट आज हमने सनसेट देख लिया है, तो मतलब चलो सनसेट देखने मिला, दैट टू ऑन ओजरॉन बीच, मज़ा आ गया। तो अभी इन सबको बाय बाय बोलते हैं, बाय बाय, आपको भी बाय बाय, और हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अभी हम लोग इसके बाद क्या करने वाले हैं, मतलब क्या है हमारे बकेट लिस्ट में आज बचा हुआ, क्योंकि कल तो निकलना है, तो देखते क्या करते हैं। सो मैं रेडी हो चुका हूँ एकदम सेट, नहा धो करके कल मुंबई जाना है और आज लास्ट नाइट है मेरा गोवा में, तो सोचा थोड़ा सेलिब्रेट करते हैं। तो आज जा रहे हैं हम लोग पार्टी करने चापोरा, डार्लिंग्स करके एक जगह है चापोरा पे, चापोरा फोर्ट पे उतरते हैं। तो आई डोंट नो, मेरे को हॉस्टल वाले मेरे फ्रेंड्स लेकर के जा रहे हैं, आई होप अच्छा होगा। हिल टॉप हमने कैंसिल किया बिकॉज हिल टॉप में टेक्नो है, ट्रांस है, तो आई हेट दैट, मैंने आज दारू नहीं पीता, कुछ नहीं करता था, ला जाके करूँगा क्या, तो यहाँ बॉलीवुड है तो मे बी मैं एटलीस्ट डांस कर पाऊँगा, तो ये सुपर एक्साइटेड। चलो देखते वाइब कैसा होने वाला है, जैसा भी होगा मैं आपको पूरा दिखाने वाला हूँ। सो फाइनली वी आर हियर एट द स्ट्रीट चापोरा जंक्शन, जो भी है ये वो स्ट्रीट है, फुल लाइवली है, मतलब अभी यहाँ क्राउड बढ़ेगा, इट्स स्टिल 11 o'clock, नाउ लेट्स सी। नजर नहीं चुराया सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदलना जाना सनम, ओ मेरी याद हर मेरा दिल, हाँ दिल ने कर मुझको ना बहलाना, चुरा लिया पार्टी शार्टी करके आ चुके हैं वापस, अब है सोने का टाइम, बिकॉज आई हैव टू लीव अर्ली मॉर्निंग टुमारो,
12 बजे की ट्रेन है बट 10 बजे से पहले मेरे स्कूटी देना है, तो लेट फाइन वो सब झंझट में पड़ना ही नहीं है। तो जाते हैं, अभी सोते हैं और ये जर्नी कंटिन्यू रहेगी। अभी तो भाई 650 किलोमीटर ही हुआ है, अभी तो बहुत दूर जाना है, बहुत बहुत किलोमीटर्स कवर करना है। तो बाय बाय गाइज, डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय, गुड नाइट।